छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री कांग्रेस नेता भूपेश बघेल हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ की चुनावी जंग में हारने के बावजूद रमन सिंह का अपने छत्तीसगढ़ वासियों के लिए वो प्यार आज भी वैसा ही है जैसा पहले हुआ करता था। आज भी छत्तीसगढ़ की जनता रमन सिंह से उतना ही प्यार करती है जितना सीएम रहते करती थी। 15 साल तक एक गार्जियन की तरह छत्तीसगढ़ को संवारने संभालने वाले डॉक्टर रमन सिंह के लिए जनता के दिलों में कितना प्यार है, ये उस वक्त देखने को मिला जब एक छोटी सी बच्ची ने रमन सिंह के लिए कुछ ऐसा कह दिया कि खुद रमन सिंह भी भावुक हो गए और उस बच्ची से मिलने पहुंच गए। दरअसल हाल ही में अपने विधानसभा क्षेत्र राजनांदगांव पहुंचे रमन सिंह, जब रास्ते से गुजर रहे थे तो एक छोटी सी बच्ची ने डॉक्टर रमन सिंह जिंदाबाद कहकर उनका नाम पुकारा। नन्ही जुबान पर अपना नाम सुनते ही रमन सिंह भावुक हो गए और भीड़ में ही उस बच्ची को ढूंढने लगे और काफी कोशिशों के बाद उस बच्ची से मिले रमन सिंह ने उसे आशीर्वाद भी दिया। पूर्व सीएम रमन सिंह ने इस प्यारी मुलाकात का जिक्र अपने ट्विटर अकाउंट पर किया और इस मुलाकात की तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, कल राजनांदगांव में सड़क किनारे से जब बिटिया ने मुझे देखते ही प्रेम व अधिकार से डॉक्टर रमन सिंह जिंदाबाद कहकर मेरा नाम पुकारा, तब अनायास ही भीड़ में उसे खोजता हुआ उसके पास पहुंचा और आशीर्वाद दिया। प्रदेश के हर नागरिक के प्रेम व सम्मान का मैं सदैव ऋणी रहूंगा। अब इस बात से इतना तो साफ जाहिर होता है कि रमन सिंह छत्तीसगढ़ के वो बाहुबली है जिन पर जनता अपनी जान छिड़कती है, क्योंकि हार जीत का सिलसिला तो जारी रहता है लेकिन जो सबके दिलों में राज करता है वही असली बाहुबली होता है।